तो शुरुआत करते हैं पंजशीर युद्ध कॉन्क्लेव की। आपको बता दें कि एक तरफ दुनिया भर के आतंकी तो दूसरी तरफ अकेले नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। 30 अगस्त से जारी पंजशीर पर तालिबान की चढ़ाई जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। अब तक 1000 के करीब तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं, हथियार और टैंक तबाह हो चुके हैं। तालिबानियों ने पूरी आतंकी ताकत को झोंक रखा है और खबर तो यहां तक आ रही है कि पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ा है। लेकिन पंजशीर को जीतना कोई आसान खेल नहीं है, उसके आगे तालिबान का हर तीर फेल हो चुका है। मुल्ला बरादर के तालिबानी शेर पंजशीर में कदम रखते ही ढेर हो जाते हैं। कई सारी इसकी वजह है, तालिबान वहां पर है, खुखार तालिबान, अलकायदा वहां पर है, जैश वहां पर है, लश्कर वहां पर है, आईएसआईएस का साथ वहां पर है। तो देखिए, तालिबान के साथ खुखार, अलकायदा, लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन है, तो पंजशीर जो है वो अपनी नॉर्दर्न अलायंस की ताकत के साथ वहां पर मजबूत है। ये ग्राफिक जरिए आपको दिखा रहे हैं। तालिबान के पास अगर बात की जाए तो 20,000 आतंकवादी तैनात हैं। वहीं पंजशीर के अगर लड़कों की बात की जाए तो उनके लड़ाकों की संख्या का अब तक कोई ठीक ठाक अनुमान नहीं आया है। लेकिन तालिबान की अगर आप बात करेंगे तो बगलान, गुलबहा और अंदराब घाटी में घुसने की कोशिश की है। हालांकि पंजशीर का यह दावा है कि एंट्री पॉइंट पर नॉर्दर्न अलायंस के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं और तालिबान चाहे जितनी हिमाकत कर ले वो घुस नहीं सकता है। इधर तालिबान का यह दावा है कि नॉर्दर्न अलायंस के 60 लड़ाकों को हमने मार गिराया, तो वहीं पर पंजशीर की तरफ से दावा है कि 350 तालिबानी आतंकवादियों को हमने ढेर कर दिया। तालिबान ये कहता है कि पंजशीर घाटी की 7 चौकियों पर हमने कब्जा किया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस कह रहा है कि तालिबान दुनिया को बरगलाने के लिए ये झूठे झूठे दावे कर रहा है। तालिबान कहता है कि पंजशीर के लड़ाकों ने सरेंडर करने की अपील की थी। उधर पंजशीर का यह दावा है शुरुआत से ही कि सरेंडर नहीं बल्कि मौत को गले लगाना हम बेहतर समझेंगे। पंजशीर के शेर अहमद मसूद की तालिबान को सीधी ललकार। मसूद ने कहा, न हार मानेंगे न थकेंगे। तालिबान पंजशीर पर फैला रहा है अफवाह। हम किसी भी खतरे से डरने वाले नहीं, हम अपनी मिट्टी के लिए जान दे देंगे। पंजशीर में यह लड़ाई अब भी जारी है। समझा जा रहा था कि यह आज की रात निर्णायक होगी, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इस लड़ाई को अब भी जारी रखा है। और यह भी कहा है अमरुल्ला सलेह ने और अहमद मसूद ने कि यह काबुल नहीं है जहां अशरफ गनी हो और आप उनको पहले ही भगाकर काबिज हो जाएं। ये अहमद मसूद की जगह है पंजशीर, जहां आज तक कभी भी तालिबान का झंडा नहीं फहराया और अब भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? क्योंकि इधर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने अपने टैंक्स भेज दिए हैं, अलकायदा उसकी तरफ से लड़ रहा है, तालिबान के लोग लगातार वहां पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हैं। कितने देर और कितने दिनों तक वहां पंजशीर के लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे और तालिबान को अपनी सरहदों से बाहर रोके रखेंगे? हालांकि यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बंधक बनाए गए तालिबानी अहमद मसूद, उनको बिठाकर उनसे बात कर रहे हैं और उसके बाद यहां उनका अचानक उनके 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 विचारों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और वो नारे लगाने लगते हैं अहमद मसूद के पक्ष में। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।